तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने हीरो इलेक्ट्रो C3 इलेक्ट्रिक साइकिल के साथ। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि मैंने ये साइकिल 7 महीने चलाए हैं और इसके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव हर बातें बताऊंगा, क्या ख़राबी है क्या अच्छाई है साइकिल के बारे में। इसको मैंने लगभग लगभग 3500-4000 किलोमीटर के आसपास मैंने साइकिल चला दिया है। तो 3500-4000 साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो 7 महीने में मैंने इतना चलाया है। तो अभी बताऊँगा उसके बारे में कि क्या क्या दिक्कतें और भी आई हैं इसमें। तो आप वीडियो बने रहें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को और लाइक कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो, और ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा कोई भी डाउट हो तो। तो शुरुआत करते हैं हम आगे से। तो इस साइकिल को पहले हम चेक करते हैं कितने किलोमीटर चलाए हैं। ये जब से मैंने साइकिल ख़रीदा तब से लगा रखा है। इसमें लाइट का भी पोजीशन है, हॉर्न भी है, बहुत कुछ है इसमें। इसके रिगार्डिंग इसके ऊपर भी वीडियो मेरा बना हुआ है, तो इस पर पहले मैं चेक करता हूँ साइकिल कितना किलोमीटर चला हुआ है। तो अभी तक टोटल साइकिल चला हुआ है 3550 किलोमीटर, मतलब 3550 किलोमीटर साइकिल चला हुआ है। कभी कभी इसका बैटरी डाउन होता है तो कभी कभी इसमें मीटर रीडिंग नहीं भी हो पाता है, क्योंकि ये भी चार्ज होके चलता है, यहाँ से चार्ज होता है। तो थोड़ा मोड़ा 19-20 हो सकता है, क्योंकि साइकिल ज़्यादा ही चला होगा, कम नहीं चला होगा, इससे ज़्यादा ही चला होगा। तो ये तो जब से साइकिल है तब से है। उसके बाद बात करता हूँ साइकिल के बारे में। तो साइकिल का पहले नेगेटिव मैं आपको बता देता हूँ। नेगेटिव इसमें ये चीज़ है कि जब से साइकिल ख़रीदा हूँ तब से ये ख़राब हो चुका है, ये मैंने दूसरा लगवाया है। उसके बाद आगे में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आगे में इसका दिक्कत है। दूसरा दिक्कत इसमें आया चार्जर का। चार्जर जो इसके साथ कंपनी देती है वो चार्जर एक बार ख़राब हो चुकी है, 5 महीने के बाद ही ख़राब हो गया था। उसके बाद दूसरा चार्जर मैंने कंपनी से रिप्लेस करवाया है सर्विस सेंटर से, तो फिर दूसरा चार्जर मुझे मिला। तो अभी तो ये चार्जर ठीक काम कर रही है, लेकिन मैंने ये चार्जर जो है ये चार्जर दूसरा मंगवाया है जो कंपनी के साथ इसमें आई थी, वो चार्जर ख़राब हो गया तो ये चेंज हुआ है। उसके बाद ये तो हो गया दूसरा। तीसरा चीज़ इसमें ये ख़राबी है कि इसका जो रिम है, ये जो रिम आप देख रहे हैं, ये इसका ऐसा रिम नहीं आता है, ये रिम ऐसा आता है अल्मीनियम का, जो कि मैंने चेंज करवा के स्टील का लगवाया, क्योंकि ये 4-5 महीने के अंदर में ही ये रिम पूरा बैंड हो गया और कंपनी ने बोला कि मैं इसका वारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि ये रिम उनका पॉलिसी में नहीं आता, इसलिए उन्होंने रिम चेंज नहीं किया। तो ये कंपनी का दिक्कत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने चेंज नहीं किया और ये 4-5 महीने में ही रिम ख़राब हो गया पीछे का। वो ख़राब इसलिए हुआ क्योंकि ये ब्रेक से अल्मीनियम का ज़्यादा घिसता है, ब्रेक से ये ब्रेक लगने से अल्मीनियम ज़्यादा घिसता है। इसलिए अगर आप मेरे मुताबिक अगर आप साइकिल खरीदना चाहते हैं तो कभी भी आप ब्रेक वाला साइकिल मत खरीदिए, डिस्क ब्रेक ही खरीदिए। आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक लीजिए, थोड़ा अमाउंट ज़्यादा लगेगा लेकिन डिस्क ही खरीदिए। तो इसलिए मेरा प्रेफर रहेगा कि डिस्क खरीदिए, ब्रेक शू मत खरीदिए। ब्रेक शू में तो ये आपका हर 10 दिन से 15 दिन पर ये ब्रेक शू चेंज करना पड़ेगा, 15 दिन से ज़्यादा ब्रेक शू चलता नहीं है। और दूसरा कि रिम आपका घिसता है बहुत ज़्यादा, रिम क्योंकि स्पीड ज़्यादा चलता है तो रिम ज़्यादा घिसता है, तो इसलिए आपको रिम चेंज करना पड़ेगा अगर आप ब्रेक वाला साइकिल खरीदते हैं। तो ये दिक्कत सबके साथ आने वाली है, एक सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके साथ ये ब्रेक वाला आने वाला है प्रॉब्लम। और इसका डिस्क ही खरीदिए, डिस्क में ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क ख़राब होता है लेकिन उसमें 2-3 महीना टाइम लगता है, 2 महीने के बाद ही डिस्क का ब्रेक घिसता है। तो डिस्क लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेक लीजिएगा तो हर 15 दिन का वो ब्रेक चेंज करवाना पड़ेगा। तो थर्ड दिक्कत ब्रेक का है, पहला दिक्कत इस कंट्रोलर का, दूसरा इस रिम का, तीसरा ब्रेक शू का। 3 मेजर प्रॉब्लम है जो कि इसमें बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आती है। उसके बाद ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। अब साइकिल के बारे में बात करूं तो चलाने में कंफर्टेबली ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है साइकिल, एकदम मेरा मानेंगे तो एकदम बिल्कुल ही इसमें आपको अब बहुत दिक्कत से साइकिल चलती है। तो ये इतना दूर हैंडल इतना लंबा है कि इसको पकड़ने में ही दिक्कत होता है, बहुत बहुत लंबा हैंडल है। आप देख सकते हैं कि मेरा एक हाथ जो है ये भी आधा ही पहुंच पा रहा है, इतना लंबा हैंडल है। ऊपर से जो आपका जो पोजीशन होगा साइकिल बैठने का वो पूरा एकदम झुक के होगा, तो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है साइकिल चलाने में। इसके साथ सॉकर देता था कंपनी को तो साइकिल चलाने में कंफर्टेबल रहता, लेकिन ऐसे में बिल्कुल भी कंफर्टेबल साइकिल नहीं है, बहुत दिक्कत होती है साइकिल चलाने में। सेकेंड पिलन को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फर्स्ट पिलन तो फिर भी कैसे ही बैठ जाता है, लेकिन अगर सेकेंड बैठता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद ये तो हो गया आपका नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि आपका ये बहुत पैसा बचाने वाला है, सिंपल सी बात है। अगर आपका डेली का रनिंग 15 से 20 किलोमीटर है तो बहुत पैसा बचा देगा, महीना में मिनिमम 2000 रुपये का तेल पेट्रोल आराम से बचा देगा। अगर आपका ऑफिस 15-20 किलोमीटर के आसपास है तो
तो महीना का 2000 रुपया आराम से सेव करेगा, और मैं सेव करवा भी कर भी रहा हूँ। तो आपका ये पूरा 1 साल में इस साइकिल का पैसा वसूल हो जाएगा, अगर आप अगर इस पर जितना भी इन्वेस्ट करते हैं साल भर में आपका एकदम आपका वापस हो जाएगा पैसा, ये कन्फर्म है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ ये मेरा पैसा बचाएगा या नहीं, पैसा पूरा फुल बचाएगा, साल भर में आपका पूरा पेट्रोल के दाम पर साइकिल हो जाएगा। अगर आपका ऑफिस 15 से 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाएगा, वहाँ चार्ज कर लीजिए फिर लेके चले आइए। तो और इसमें दिक्कत ये है कि इसका साइकिल का जो बैटरी है वो रिमूवल नहीं है, तो रिमूवल नहीं है तो इसको आप साइकिल जहाँ भी चार्ज लगाइएगा वहाँ पर ये ऐसे ही चार्ज लगेगा जैसे भी लगा हुआ, देखिए यहाँ पर। उसके बाद इसका बेनिफिट और भी बहुत कुछ है, और इसमें दिक्कत और कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ साइकिल का सॉलिड है, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं साइकिल के साथ। मेरा दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं आया है फिलहाल। और इसके अलावा दिक्कत चार्जर का था जो कि कंपनी ने चेंज किया, और इसका दिक्कत था जो कि कंपनी ने चेंज किया, लेकिन कंपनी से चेंज करने में दिक्कत ये आई कि ये तो मेरा 2 दिन में मिल गया लेकिन चार्जर 1 हफ्ता के बाद मिला, और जब भी मैंने कुछ भी मेरा ख़राब हुआ है, जब भी मैंने चेंज करने के लिए गया हूँ तो मुझसे कुरियर चार्ज के रूप में 350 रुपया चार्ज किया गया, जो कि मैं अभी तक पे नहीं किया हूँ लेकिन चार्ज किया गया है मेरे से, सर्विस सेंटर वालों ने चार्ज किया है 350 रुपया कुरियर चार्ज। मेरे बिल के पीछे भी उन्होंने लिख दिया आपका ड्यू है, तो मैंने पे नहीं किया अभी तक, लेकिन चार्ज लेकिन करते हैं वो लोग सर्विस सेंटर वाले। तो ये कंपनी को संभाल देखनी चाहिए कि क्यों चार्ज करवा रहा है सर्विस सेंटर वाला। और इसमें अभी तक मुझे बैटरी या मोटर मेन जो है बैटरी और मोटर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आया है, अभी भी एवरेज 25 से ऊपर का दे रहा है साइकिल, कोई दिक्कत नहीं है बैटरी में और मोटर में, जबकि मैंने साइकिल को 7 मंथ साइकिल चलाया, 7 महीने साइकिल चलाया है और 3500 से ऊपर साइकिल मैंने चलाया है, तो भी मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया है। तो दिक्कत वाली कोई ऐसी बात नहीं है, आप लेते हैं तो बेनिफिट है, बस थोड़ा कंफर्टेबल साइकिल नहीं है क्योंकि चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बाइक से अगर आप इस पे आते हैं तो शिफ्ट करते हैं तो दिक्कत होगी। बाकी और भी कोई मन में डाउट हो तो मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं, आप साइकिल देख सकते हैं। ये सब मैंने बाहर से लगवाया है मटगर, इसके ऊपर रिगार्डिंग वीडियो बने हुए हैं बहुत सारे, ये सब के बारे में वीडियो बने हुए हैं तो आप वो सब चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे नए और नए वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।